बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दो दिन पहले एक मरीज़ आया मेरे पास के फलानी जगह पे मैंने आपका भतीजा एक भांजा है वहाँ से आपको ट्रांसप्लांट किया था, कहते हैं मैं गया था तो उसने कहा कि ये वो मेरे सगे मामू है और कहते हमने आपकी वजह से उस पर ट्रांसप्लांट कराया। उसके सर में कोई प्रॉब्लम आया था, रिजल्ट तो अभी नहीं आए थे तो कहते अभी आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो मैंने कहा जब आप उसके पास गए थे आपने मुझसे पूछा था या मैंने कहीं अनाउंस किया है कि ये मेरा क्लिनिक है या मेरे बंदे वहाँ पे? तो बहरहाल उसको तो मैंने समझा दिया, लेकिन आप सबको बताना चाहता हूँ मैं कि मेरा कोई भतीजा या भांजा इस फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं है और ना कोई डॉक्टर है इस फील्ड में। हाँ, ये हर जगह इस तरह होता है। आप काबल में भी जाएंगे तो वहाँ पे किसी ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाएंगे तो आपको ये कहेंगे कि मैंने डॉक्टर अदीब के साथ काम किया है, या अगर हमारे इलाके का हो उस साइड वजीरिस्तान बनू का हो तो वो आपको बताएगा कि मैं मेरा रिश्तेदार है, मेरा मामू है, कोई बोलेगा मेरा चाचा है, कोई बोलेगा मेरा खाला का हस्बैंड है। तो इस तरह मेरे साथ वाक़ियात होते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई भतीजा कोई भांजा इस फील्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है और ना वो ये काम करते हैं और ना किसी को मैंने अलाउड किया है। तो आप लोग खुद जब भी कहीं से भी ट्रांसप्लांट करवाते हो, मैं हमेशा आप लोगों को यही बात कहता हूँ कि ये स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन का काम होता है, तो आप लोग खुद डॉक्टर के बारे में सर्च करें। आजकल ऑनलाइन ज़माना है, गूगल पे देख ले, उस डॉक्टर के पास जाके उसकी डिग्रियाँ देख ले। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि ठीक है, एक टेक्नीशियन भी अच्छा करता होगा या नॉन डॉक्टर भी करता होगा, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आपके सर में कहाँ पे एनाटमी किया है, वहाँ पे रक्त कहाँ पे, वहाँ पे नर्व्स कहाँ पे, वहाँ पे वेसल कहाँ पे, कितनी डेंसिटी देनी है, कौन सा डोनर सेफ है, कौन सा सेफ नहीं है। स्पेशली इसके अलावा वो स्टरलाइजेशन का केयर नहीं करते, एक ब्लेड 10-10 मरीजों को इस्तेमाल करते, पंच 10-10 मरीजों को यूज़ करते। तो खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करो कि जब भी जाओ तो सिंपली अगर आप लोग कहीं से करवाना भी चाहते हो, मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ कि जिस डॉक्टर से भी कराना वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होती है ना, ब्लेड हो गया, पंच हो गया, वो चीज़ें, तो वो पहले चेक करें कि वो नया है या कोई पुराना यूज़ कर रहा है। दूसरी एक इसका टिप ये है कि वो आखिर में जब आपकी सर्जरी हो जाए तो वो तो आपको कहते हैं मैं डिस्पोजेबल यूज़ करता, वो अपने साथ उठा ले और बाहर फेंक दे, किसी को देना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो वो नेक्स्ट डे किसी और मरीज़ को यूज़ करेगा। तो इस तरह अगर हम सब लोग करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अपने सर की स्किन पे काम करवाना है तो अपने आंखें खोल के पहले अपना डॉक्टर मालूम कर ले कि वाकई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या नहीं है, प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है। पाकिस्तान के हर सिटी में, इवन तुर्की में, इंडिया, ईरान में, हर जगह पर आपको प्लास्टिक सर्जन मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत ज़्यादा है, हर सिटी में होते हैं। तो आप लोग काइंडली जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट करवाते हो या प्रोसीजर करवाते हो या कॉस्मेटिक्स की प्रोसीजर करवाते हो तो देखिए कि भाई ये डॉक्टर, पहले तो ये मालूम करें डॉक्टर है या नहीं है, फिर ये देखिए प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है, फिर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख ले, उसके रिजल्ट देख ले, उसका प्रोफाइल देख ले, फिर आप लोग खुद डिसाइड करें। लेकिन मेरे नाम पर मैं किसी की गारंटी नहीं लेता हूँ सिवाय बन्नू में रेलवे रोड पे, वहाँ पे मेरा एक ब्रांच है जहाँ पे मेरी बुकिंग होती है और वहाँ पे मेरी इधर ही से टीम ट्रेन करके भेजा है, तो वहाँ पे जो है ना उसकी मैं रिस्पांसिबिलिटी भी लेता हूँ और वहाँ पे जो PRP या जो कंसल्टेशन या लेज़र चीज़ें होती है तो वो सारी स्टेट ऑफ द आर्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको मैं यहाँ से कंट्रोल करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच नहीं है और ना कोई मेरा भतीजा ना मेरा भांजा है जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो और ये काम करता हो। और बाकी अगर आप लोग मेरे नाम पे किसी से धोखा खाते हो तो मैं उसका ज़िम्मेदारी कभी नहीं लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।